नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। दुर्गापुर के गैमन ब्रिज मैदान में आज से 47वें ऐतिहासिक दुर्गापुर सांस्कृतिक मेले का आगाज हो गया, जिसके उद्घाटन समारोह में विधायक प्रदीप मजूमदार, विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, विधायक हरेराम के अलावा कई पार्षद एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक मेला 10 दिन चलेगा। मेले में हस्तशिल्प, वस्त्र, कृषि और मिष्ठान के साथ ही मनोरंजन के करीब 300 स्टॉल लगाए गए हैं। दुर्गापुर सांस्कृतिक मेला समिति के सचिव विपल्लभ बसु ठाकुर ने बताया कि मेले में कोविड-19 गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही मेला परिसर में जगह जगह सैनिटाइज मशीन लगाई गई हैं। मेले में मास्क लगाना अनिवार्य है, साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। वहीं आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से मेला परिसर के साथ ही आसपास के इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। मेंटेन करे আমরা করছি এবং সরকারের সমস্ত নিয়ম কানুন আমরা মানছি এবং দর্শকদেরকে বারবার আমরা বলে দিয়েছি, আমরা কাগজেও মারফত জানিয়েছি যে আপনারা কেউ মাস্ক ছাড়া আসবেন না। মাস্ক না পরে আমরা কাউকে ঢুকতে দিতে পারবো না। কেউ যদি ভুলেও মাস্ক না পরে চলে আসেন, আমাদের সংস্থার তরফ থেকে তাদেরকে মাস্ক এখানে দেওয়া হবে। আমাদের অন্যান্যবার অনেক বেশি স্টল হয়, কিন্তু এবছর আমাদের 300 স্টল আমরা এখানে করেছি। এবং আমাদের পুলিশ প্রশাসন ছাড়াও আমাদের নিজেদের ভলেন্টিয়াররা দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করবেন। রাতে সন্ধ্যে থেকে 300 জন করে ভলেন্টিয়ার থাকবেন আর সকালের দিকে 40 জন করে ভলেন্টিয়ার থাকবেন। এছাড়াও যারা কর্মকর্তা আছেন তারাও দেখবেন এখানে যেন সমস্ত সুষ্ঠুভাবে সমস্ত জিনিস। यहाँ बता दें कि दुर्गापुर सांस्कृतिक मेले की इलाके के लोगों को वर्ष भर प्रतीक्षा रहती है। मेले में दूर दूर से दुकानदार स्टॉल लगाने आते हैं, जिसके चलते लोगों में मेले के प्रति उत्सुकता बनी रहती है। एआरआई न्यूज के लिए अमन राय की रिपोर्ट।